क्या चर्चा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, रिकॉर्डेड मत कीजिए, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं, रिकॉर्डेड वाली कोई बात। द्विवेदी जी, इस बात को बहुत जोर से समझना पड़ेगा कि जुड़ने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका है ऐप के माध्यम से जुड़ने का, और विशेष तौर पर जो उन लोगों के लिए है जिसमें जिनके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, उनके लिए उनसे शपथ पत्र फिजिकली साइन कराना है और उसका वीडियो बनाना है, और ऐसे शपथ पत्र में जिसमें कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, एक नए करेक्टर को उसमें इन्वॉल्व किया गया है जिसको अपन ने नोडल व्यक्ति कहा है। वो नोडल व्यक्ति वो है जिसके पास स्मार्टफोन है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि सप्ताह के जितने भी अध्यक्ष के आदेश आते हैं, क्योंकि आगे चल के अध्यक्ष के बहुत सारे आदेश आएंगे कि इतने बजे चल के ये करना है, ये करना है, चढ़ जाओ ऊपर, ये इसकी ये डिमांड करो, क्योंकि देखो जैसे ही आपकी संख्या बढ़ेगी तो आप सत्ता परिवर्तन का इंतजार नहीं करेंगे, तब आप जो है थाली बजा के दीपक जला के नरेंद्र मोदी जी को संदेश देंगे कि ये करिए, यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपकी पराजय सुनिश्चित है। सही है। तो अब वो संदेश जो है आपको, जिनके पास मोबाइल है उनसे तो मोबाइल के पास सीधे पहुंच गया उनके पास, लेकिन जिनके पास मोबाइल नहीं है वो नोडल ऑफिसर हर दिन जाके तो नहीं कर सकता है, तो सप्ताह में एक दिन वो ब्रीफ करेगा जाके कि साहब इस एक सप्ताह में ये मुख्य आदेश हमें प्राप्त हुए, राइट, और उसकी वीडियो बना के वो वीडियो भी हमको भेजेगा, राइट। तो इस तरीके की जो वो ब्रीफिंग करेगा, उस ब्रीफिंग के लिए उसे 50 मार्क्स मिलेंगे, और ये 50-50 मार्क्स बहुत मायने रख रहे हैं, क्योंकि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर तो वो प्रधानमंत्री बनेगा यदि राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर तो जो वो जो है प्रदेश स्तर में मुख्यमंत्री बनेगा। आज कौन बना रहा है आपको प्रधानमंत्री, आज आपको कौन बना रहा है मुख्यमंत्री, कोई बना रहा है आपको, बताइए। अरे एमएलए नहीं बनाते। मैं कह रहा हूँ तो जो लोग जागना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, साथ में परिवर्तित भारत चाहते हैं, जो इन दुष्ट राजनेताओं ने खुद के स्वार्थ के लिए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और दुष्टतापूर्वक अपने देशवासियों के ऊपर जो वो नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के कभी न्याय ना देने के लिए बनाए थे, वही आपके ऊपर हाथ थुपे हुए हैं। वो लाटसाबी व्यवस्था जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित किया, शोषित किया, और वही व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, ये बताओ, ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? ये जी मुझे ये बताइए, क्या ये बहुत दिमाग और विद्वत्ता मांगता है कि ये शुद्ध दुष्टता है, और यही कारण है कि आप आजाद नहीं हुए हैं, क्योंकि आपका सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन्होंने इको सिस्टम तो वही रखा है, वही नियम, वही कानून, वही लाटसाबी व्यवस्था, आपका आपका सिर फटा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई दुष्ट व्यक्ति जो ना आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करा देगा तो आपके पूरे खानदान को बंद कर दिया जाएगा, ये दुष्टता नहीं चल रही है क्या? चल रही है। और आप देखिए, आप देखिए पार्टी में किस प्रकार से बेइज्जती करते हैं ये लोग, सेम पार्टी के लोग सेम आदमी की किस प्रकार से बेइज्जती करते हैं। आप ये देखिए, ये इतने दुष्ट लोग हैं कि जिन लोगों ने बड़ी निष्ठा के साथ इनकी सेवा की, पार्टी की सेवा की, और उनको ये मालूम था कि उन्हें ही टिकट मिलेगा, तो वो अपना प्रचार भी चालू कर दिए थे, इन दुष्टों ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अरे भाई, अभी आप देखो रिसेंटली एग्जाम्पल लेते हो उमा भारती का, है उमा भारती को इन्होंने इनवाइट नहीं किया, नाराज हुई। भाई हर आदमी का देखिए स्वाभिमान होता है, आज उमा भारती मतलब देखिए ये उमा भारती को इसलिए इन्वाइट नहीं कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है उमा भारती में भजन है, और ये तो हल्के फुलते उछले लोग हैं, इनके अंदर क्या है, उच्छंगता है, क्या है, क्या घोषणा कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मामा ये हल्के चरित्र का परचायक है। आप जो है जो ये बांट रहे हैं, अरे समृद्धि दीजिए, रोजगार की गारंटी दीजिए, वो तो आपकी औकात नहीं है, और फिर भी कौन से अपने पिताजी की बांट रहे हैं, अपनी संपत्ति बेच के बांट रहे हैं, और रोजाना उसका रिकॉर्ड दें कि ये हमने अपनी संपत्ति से दे रहे हैं। आप देखिएगा नेता लोग कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालिए, उलझाए रखेंगे आदमी को, तो यही अंग्रेजों की पॉलिसी थी, यही अंग्रेजों की पॉलिसी थी, अंग्रेजों की पॉलिसी तो यही थी ना। और दूसरी पाप, दूसरी इनकी पॉलिसी का डिवाइड एंड रूल, आज देखिएगा आदमी को पोलिंग बेल तरीके से करके रखा है, मतलब कुछ सोच ही नहीं पाएगा, जब सोच ही पाओगे आप क्या करोगे आप? देखो मेरा सोचना ये है कि चंद्रगुप्तों को पहचानने के 3-4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफी लोगों को जोड़कर अपने आप को मॉडरेटर और नेशनल ऑफिसर बनाया है,
उनसे वन टू वन कॉन्टेक्ट करके कहा जाए कि भैया अपना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भर के भेजो, क्योंकि अब तो हमने ये निर्णय लिया है कि जो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा हम उसको मेरिट लिस्ट में मानेंगे ही नहीं, हम उसकी जो है ना मेरिट लिस्ट ही तैयार नहीं करेंगे। तो यदि आप जो है पेशिव बने रहेंगे तो हम आपको जो है टिकट की कंसिडरेशन जोन में ही नहीं लाएंगे। तो अब ये आप जो जिसने भी इतनी मेहनत की, तीन तीन 400 400 500 500 लोग जोड़े हैं लोगों ने, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत की है। तो जिन्होंने आप मेहनत कर ली है, अभी यदि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो उनको 500 पॉइंट वो एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, नंबर वन। नंबर वन, नंबर टू, उन्हें दो संगोष्ठी करना कंपलसरी है। तो यदि दो संगोष्ठी करेंगे तो सिर्फ संगोष्ठी करने के 50-50 के हिसाब से 100 नंबर वो मिल गए, तो आपने 100 नंबर तो यही कमा लिए, राइट। अब आप जब लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को ये कहेंगे कि भैया हमारा सदस्य डरा हुआ, सहमा हुआ, उत्पीड़ित, अपमानित व्यक्ति है और पर्दे के पीछे रहना चाहता है, तो बहुत सारे लोग तो इस बात को सहके कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं है उत्पीड़न, हम तो चंद्रगुप्त बनेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ कहेंगे, मतलब कहेंगे। तो फिर जो है ना आपको चंद्रगुप्त के वहां से भी मिल जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आप अपने एरिना में देखिए, जैसे मान लो राजनीतिक पार्टियों के लोगों को टिकट नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे अच्छे समाज सेवी संगठन के लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें समाज सेवा करते करते लोगों को जोड़ने का मौका मिलके यदि वो देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है तो हो सकता है उनके चिंतन में आए कि हाँ हमें बनना चाहिए, तो उनको अपन लिस्ट में ला सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त हो सकते हैं। भाई मेरे कॉन्टेक्ट में कांग्रेस के भी लोग, बीजेपी के लोग, वो मेरे कॉन्टेक्ट में। कल मुझसे बात हो रही थी, आरएसएस के प्रचारक हैं अरविंद जी, वो जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सीधी में भी काम करते हैं, मैंने एक घंटा की बात हुई, मैंने जो है पब्लिश किया है, राइट। बहुत ही अच्छी वार्तालाप है वो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सुनिए तो सही क्या बातें हो रही हैं। अरे इनके अपने लोग निकल जाएंगे। भैया ये बताओ, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले क्यों भाजपा के साथ खड़े हों? यदि जब आपने 10 साल का और पहले 1 साल का और उसके पहले 13 दिन का और 13 महीने का, आपको इतने 4-5 मौके मिल गए हैं, आपने क्या दुष्ट कांग्रेस ने जो संविधान की व्यवस्था और फंडामेंटल राइट के विपरीत जो कानून बनाए थे उन्हें रिपील क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया रिपील, बताइए? उसमें एनर्जी लग रही थी क्या? नहीं, उसमें एक सिर्फ ये भेजना था कि फलाने फलाने नियम कानून को हम जो है ना ध्वनि मत से जो है रिपील करते, हो गया। राज्यसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है और पार्लियामेंट जो और फंडामेंटल राइट के विपरीत है, राइट। नंबर टू, जो चीज जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है उसके लिए छोटा सा नियम बनाओ, बहुत लंबे चौड़े नियम नहीं बनाना है। जैसे आर्टिकल 25 का जो है प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25 का एक चार सेक्शन का कानून बनना चाहिए। अरे दो लाइन जोड़ना है, पूरी जोड़ते हैं लोग। अरे थोड़ा सा संशोधन करना, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा ये लोग ना। हम तो कह रहे हैं नियम कानून बना दो ना, उसका चार सेक्शन का अलग बना दो ना, बाद में तो जो है ना इंटीग्रेटेड आईपीसी बनी जाएगी, क्योंकि सभी जितनी भी चीजें हैं बाद में कोई पृथक नियम ही नहीं होगा, चैप्टर में एक ही आईपीसी में सभी जो है ना चैप्टर जुड़ जाएंगे, मतलब केवल एक ही अधिनियम होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि जो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी बात है, अभी तो आप जो है ना सिविल ऑफेंसेस में जाते हैं तो फीस देते हो, इसमें उल्टा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि आप रिपोर्ट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, गवाही दोगे तो पैसा मिलेगा, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है ना उसके एविडेंस को कलेक्ट करने में मदद करेगा उसे पैसा मिलेगा, पुलिस को पैसा मिलेगा, मजिस्ट्रेट को पैसा मिलेगा, वकील को पैसा मिलेगा, इवन डिफेंस लायर को भी अपराधी पैसा नहीं देगा, सिस्टम पैसा देगा। और हमें सिस्टम पैसा बांटने में रुचि है, क्यों रुचि है? क्योंकि हम नियम में ये संशोधन कर रहे हैं कि हम जितना पैसा बांटेंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल कर लेंगे। तो बताओ, धन बांटने में, समृद्धि बांटने में हमें फायदा है कि नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, जो चीजें अभी कानून का उल्लंघन है नहीं और हम चाहते हैं कि होना चाहिए, तो हम उन चीज के छोटे छोटे कानून बना देंगे, सब में पेनल्टी रहेगी। आप बताइए मुझे जो है ना अविरल जो है ना धन की वर्षा होगी। मतलब अकेला जो है ना हत्या करने किसी के केस में थोड़ी धन की वर्षा होगी, वो तो जो है ना मोटर व्हीकल एक्ट में तो सबसे ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। आप ये बताइए, भारतवर्ष में 90% जो है नंबर प्लेट एच पर तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, और आपको मालूम है कितना जघन्य अपराध है ये,
शुरू में 2000 का फाइन, अगला 5000 का फाइन, फिर 3 महीने की जेल है। भाई ये सब क्यों है? इसको नहीं, लेकिन 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 जो है आप बताओ, किसी के गलत नंबर प्लेट पे कोई जेल जाते दिखाई दिया है आपको? एक भी बत्ती नहीं गया है। पुलिस कॉग्निजेंस लेने की औकात नहीं रखती है भाई, आप देखिए। और हम उल्टा कह रहे हैं, हमारा तो बच्चा स्कूल जाते हुए 2 जो ना क्लिक करेगा और जाएगा, और 2000 का जो यदि मिनिमम मान ले तो उसको 1000 बच्चे को मिलेगा, तो जाते वक्त उसमें 2000 कमा लिए और आते वक्त 2000 कमा लिए, तो 4000 कमा लिए कि नहीं कमा लिए? और यदि वो 30 दिन तक ऐसा ही करता है तो कितने उसने कमा लिए? 1,20,000। संभवतः एक मजदूर गरीब के व्यक्ति के 1,20,000 तो उसके पिताजी ने देखे नहीं है। सही बात है। आप देखिए, मतलब लोग अपने पावर का बिजनेस कर देते, पुलिस है, है? गाड़ी भी लिखा पुलिस, ये क्या पुलिस का वीकल है? आपने पुलिस कैसे लिखा, क्यों लिखा आपने? आप नहीं लिख सकते उसमें, बल लिखते हैं। देखिए, मेरा तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अनोनिमिटी शुड बी ए क्राइम, राइट? मतलब आप अनोनिमस नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लो केपी दुजे सड़क पे घूम रहे हैं एज ए अनोनिमस, तो ही इज ए रिस्क टू मी। एक अनोनिमस व्यक्ति रोड पे घूम के जो है ना, कभी किसी में भी छुरा घुसेड़ दे, किसी की भी चैन छीन ले, ये उसको हक क्यों होना चाहिए? सही बात है। तो हम तो कह रहे हैं कि अब आपके कपड़ों में QR कोड लगा रहेगा, राइट? दूर से आप स्कॉन हो जाएंगे, आपको जो है ना पुलिस वाले को मालूम पड़ गया कि केपी दुबे जी यहाँ से निकल रहे हैं, ये इतना जो है ना टैक्स पे करते हैं, इतना इतना करते हैं, और वो जो है ना दूर से सलूट करता है, मिस्टर दुबे वी नो दैट यू आर ए बिगेस्ट टैक्स पेयर, आई सलूट यू, देश का विकास आपके कारण हो रहा है, आप बताओ। आज जो है ना पुलिस वाला कह रहा है दुबे इधर आ किनारे बूढ़े, मतलब उसे ये लज्जा नहीं आ रही है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है। सही है आपकी बात। तो अभी यदि वो दूर से आके आपको सलूट करता है, और यदि वहाँ कोई क्राइम हो जाता है तो 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा साहब यहाँ आसपास कौन थे, किनसे क्या पूछताछ करना है। सही बात है। और उसको पुलिस वाले को जाने की जरूरत है, जब सिस्टम को मालूम है कि आप वहाँ थे तो वो आपसे जो है ना एक लिंक भेज देगा कि आपको जो कुछ भी कहना है इससे कह दीजिए। हाँ, सही है। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना, पुलिस को जो है ना वर्तमान उससे बचाएंगे, उसको फिजिकल इंटरफेस के लिए ज्यादा यूज करेंगे। भाई साहब, एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी, टाइम बचेगा और रिजल्ट बेटर आएंगे। आई एम सेइंग कि आपकी पुलिस रिलैक्स रहेगी, डंकी जॉब नहीं करेगी, स्मार्ट जॉब करेगी, जहां पुलिस की जरूरत होगी वहीं पे वो यूज होगी, बाकी सब काम पब्लिक कर लेंगे, टेक्नोलॉजी कर लेगी, राइट? और हर किसी को इसके लिए पैसा मिलेगा, वो पैसा उस अपराधी से वसूल होने वाला है, तो जो है ना सरकार के भी ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक पैसा मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आप पैदा हुए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हो, तो समृद्धि तो यहीं की है। सही है। तो समृद्धि को जो है ना सबको बांटना है भैया। और दूसरी बात है कि आज आप जितना कर पा रहे हो इससे 100 गुना ज्यादा करेंगे। हमें तो पूरे सभी खेतों के बीच में नालियां खोद के, आप कहते हैं लिंकिंग ऑफ द रिवर, देर विल बी थाउजेंड्स लिंकिंग ऑफ द रिवर्स अक्रॉस द कंट्री। क्यों? क्योंकि पानी की जो एक बूंद है वो भी हमें जो है समुद्र में वेस्ट होने से बचाना है, दैट शुड गो इनसाइड द ग्राउंड। पानी का लेवल फिर से 8 फीट पे लाना है, ये इट्स डूएबल, इट्स डूएबल। अच्छा, दूसरी बात है, जहां आपने खाई खोदी वहां पर आप कितना जो ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन पर हम मिट्टी की छेद वाली टाइल बनवाएंगे, तो छेद वाली टाइल बनाने के लिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लगाने के लिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसमें एक्वा कल्चर होगा तो हमारे, क्योंकि आपको मालूम है पानी में जो भी चीज पैदा होती है, चाहे जो है ना वो वेजिटेबल हो या लाइफ हो, राइट? तो मछली भी हो, चाहे जो है आपकी कमल ककड़ी हो या कोई भी हो, दे आर ऑल वेरी रिच इन प्रोटीन, चाहे सिंघाड़े हो, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एनीथिंग प्रोड्यूस थ्रू द एक्वा कल्चर, पानी से जो चीज पैदा होगी वो प्रोटीन रिच होगी, चाहे वो मछली हो चाहे कोई हो, ठीक है ना? अब आप ये बताइए कि सब जगह एक्वा कल्चर होगा और सब जगह से चीजें पैदा होंगी, तो हम इसको खाने के साथ मिक्स करके खाने में डालेंगे, फाइबर रिच फूड होगा आपका, और ये चीज जो विदेशों में बेचेंगे तो आज के 10 गुने से ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, हमारी अपनी चैन होगी उसमें। तो समृद्धि, देखिए आप एक मिनट दुबे जी, भारत पहले समृद्ध इसलिए था कि वो हर चीज को सोने के भाव में बेच सकता था,
दुष्ट अंग्रेजों ने क्या किया, आपको रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर बना दिया और ऊपर आपस से डंडे और मारे, नील की खेती करो, फलाना करो, और दुष्टता पूर्वक दबाव डाल के यहाँ आपसे जो है रॉ मटेरियल सस्ते में लिया, फिनिश प्रोडक्ट महंगे में बेचा, ऊपर से डंडे मारे और ऊपर से जो ना लगान वसूल किया। आपका जो है ना पेट भूखा हो गया। तो ये बात कभी कहीं हिस्टोरियन ने क्यों नहीं लिखी भाई? ये जो साले दल्ले थे जो अपने आप को हिस्टोरियन कह के, इन साले दल्लों को पद्म विभूषण और विभूषण दिया गया, अब समय आ गया है कि इनके पद्म विभूषण और विभूषण इनके छाती से छीन लिए जाए, इनकी भर्त्सना की जाए, या तो वो सब सही कहें कि उन्होंने इन फैक्ट को क्यों नजरअंदाज किया, नहीं तो उनकी भर्त्सना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं, ये साले हिस्टोरियन बन गए, अपने आप को महान कह रहे हैं, साले दल्ले, साले बदमाश। इनको इनको दुष्ट नेहरू ने सभी स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बना दिया। तो ये केवल इन्होंने इतिहास को डिस्टॉर्ट अकेला नहीं किया, जो सही इतिहास लिखने वाले लोग थे उनकी चीजों को पब्लिश नहीं होने दिया। हाँ, अभी कई चीजों में बैंड, अब जाके मतलब बैंड खत्म हुआ है, सही चीज ऐसी, मतलब अभी अभी भी उल्टा है। अभी जो है ना, जो भाजपा चाह रही है वो डिस्टॉर्टेड करके वो लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्टिवली कोई नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ, हमारे जो दुष्ट डॉक्टर्स हैं, साले गधे, जिसको चाहते हैं उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट गवर्नमेंट मीडिया क्यों ना बताए कि हमें इन मुद्दों पर रिसर्च कराना है। भाई भाई जो है ना, ये गाइड साला दुष्ट कुछ भी उल्टा सीधा छोटा सा लिख के और अपने जो है ना सब्जियां मंगवाता है, वो करता है और अपने आप को डॉक्टरेट लिखता है। सब साले डॉक्टरेट दुष्ट हैं, साले अपने आप को जो विद्वान कहते हैं साले गधे हैं। मैं सभी डॉक्टरेट्स को जो पीएचडी किए हैं, मैं उनको दुष्ट और देशद्रोही कहता हूं। जो सही सब्जेक्ट जो नहीं चुनते हैं देश के लिए, क्यों नहीं चुनते हैं इन सब्जेक्टों को? राइट हिस्ट्री के वो करें, रिसर्च करें, जाएं बच्चों को विदेश भेजें, विदेश, क्योंकि जो ना इंडिया में तो डॉक्यूमेंट खत्म कर दिए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी विदेश में अवेलेबल होंगे। चाइना के बच्चे पढ़ते थे, चाइना में मिलेगा आपको वो। तो ये 75 साल में इन दुष्टों के किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, अपने आप को महान कहते हैं, ये दूध पीते बच्चे को समझ में आएगा कि इन दुष्टों ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, वही प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर छुपी हुई है। इसको समझने के लिए क्या बहुत बड़ा विद्वत्ता की जरूरत है? साले दुष्टों को जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है। यदि इनको अपने चरित्र पर लज्जा आने लगेगी तो ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम और आप साले विद्वत्ता के नाम पे अपने लिए जो ना चंद चीजों को इकट्ठा कर ले रहे हैं, भाषण देते हैं जाके, वो भी झूठा, उछले चले तक के गंदे लोग, देशद्रोही साले, ये जिम्मेवार हैं। अकेले राजनेता जिम्मेवार नहीं है, जो अपने आज को, आज आप अपने आप को विद्वान कह रहा है, वो इस देश की तबाही के लिए जिम्मेवार है, वो इस देश के शोषण के लिए जिम्मेवार है। पहले अंग्रेजों ने शोषण किया, अब ये दुष्ट व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जुडिशियल व्यवस्था और ये दुष्ट राजनेता आपका शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये सूडो विद्वान भी आपका शोषण कर रहे हैं। सही है। ये बताइए, किस लोगों को समृद्ध बनाने के लिए नहीं कहते, साले फ्री भी बांटते हैं, अपने पिताजी की फ्री भी है, समृद्ध क्यों नहीं बनाते हैं जब समृद्ध हो सकते हैं? यदि मैथिली जनगुप्त गारंटी स्कीम ला सकते हैं कि 2,00,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार को ऐसे व्यक्ति को भी मिलेगा जो अशिक्षित होगा, जिसको कोई हुनर नहीं है, मैथिली जनगुप्त कह रहे हैं कि हम वो भी सिखाएंगे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं होगा। सही है, फ्री में कुछ नहीं होगा। अपराध मुक्त भारत कह रहा है कि भारत जो है फ्री भी मुक्त होगा, रिजर्वेशन मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा। यदि किसी को संदेह है तो मुझसे लाइव चर्चा करें, है औकात तो मुझे मालूम है, उसे किसी की औकात नहीं है मुझसे बात करने की। सही बात है, किसी की भी औकात नहीं है। जो ये बड़े बड़े विद्वान बनते रहते हैं ना, उनकी भी औकात नहीं है। अरे भाई, आपको ज्ञान है वेदों का, तो आज के तारतम्य में आप क्या कर रहे हो, भले भला वो बताओ ना मुझे। उन वेदों का हमारे लोगों के हित में क्या उपयोग हो रहा है? आप तो उसे शिक्षा में भी नहीं डाल पा रहे हो। आप दुनिया को बताते हो कि जो है, जो न्यूटनसन ने लिखा है वो तो हमारे वेद में लिखा हुआ था, जो पाई है ये भी इसका श्लोक उसमें है, जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका श्लोक भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो भाई साहब, इसे अपनी किताबों में क्यों नहीं लिख रहे हो? ये इसको इंटरनेशनल बॉडीज को क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो कि हे दुष्टो, अपनी किताबों में लिखो, न्यूटन के साथ में जो है ना हमारे ऋषि का नाम लिखो, ये प्रूफ है। सही बात है।
और कम से कम हम शोर तो मचाएं, वो ना लिखें वो उनकी मर्जी है, कम से कम हम अपनी किताबों में तो लिख लें। सही बात। तो ये सब दुष्ट हैं, ये बताओ जो आपको जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और ये सब दिख रहे हैं, ये जानते हो क्यों दिख रहे हैं? अरे 100 रुपए में यदि 20% हमें घूस मिलती है तो 100 करोड़ में 20 करोड़ मिलेंगे। यदि 10,000 करोड़ का हम इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अडानी और अंबानी को भी मिलेगा और 2,000 करोड़ मुझे भी मिलेंगे। ये इतने साले दुष्ट, ये इतने साले दुष्ट हैं कि इन्होंने जो है मैक्सिमम पर रेट पे जो है ना उनको इतना जो है ना जिसने ज्यादा कोट किया उसको दे दिया अडानी को, राइट। और उस अडानी ने कोई लिमिटेशन था नहीं तो उसने उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया। तो उसने आपको ज्यादा मैक्सिमम दिया और उससे ज्यादा तिगुना करके उसने अपने लिए कितना कमा लिया, सवाल ही नहीं। मतलब तो इस देश के साथ कितना धोखा करोगे यार? एक बेचारा गरीब आदमी उसके ट्रैक्टर को जो है ना दुष्ट जो है उठा के ले जाते हैं, उसको आत्महत्या करना पड़ती है, और आप 1,78,000 करोड़ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ कर रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती है भाई? ये बताओ इन दुष्टों को लज्जा क्यों नहीं आती है? लज्जा है क्या जो आएगी? तो फिर इनको जो है ना, इनको मोदी मोदी कहने वाले इन विद्वानों को चले शर्म आना चाहिए अपने चरित्र पे। क्या है मोदी मोदी में? मैं तो देखिए अभी चर्चा सुनिए, वो जो हम कह रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि मुझे मदद करिए कि मोदी ने क्या महान काम किए। तो उन्होंने कहा कि साहब आर्टिकल 370 हटाया। मैंने कहा भाई साहब उसके ऊपर लिखा हुआ था इट इज ए टेम्पररी क्लोज, उसमें कैसे हटाना है ये प्रक्रिया भी दी गई थी। अब मैंने फिर उससे कहा कि बताओ, उसका नाम अरविंद था जिससे मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा अरविंद जी यदि मान लो कहीं नियम में लिखा हो कि मैथिली शरण गुप्ते काम जो है ना अरविंद से चर्चा करके कर सकते हैं, राइट, चर्चा करना जरूरी है और अरविंद जी जो है स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो फिर मैथिली शरण गुप्त को जो है ना अरविंद जी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली यदि अब नहीं है तो वो कंडीशन भी खत्म हो गई। Now it was absolutely at the pleasure of the president. फिर हमने उनसे दूसरा कहा कि भाई साहब आप कितने दुष्ट हैं ये बताइए, यदि आपके घर में कोई नकबजनी करके पीछे से छेद बना के घुस जाएगा तो क्या उसे आप सम्मान पूर्वक मुख्य गेट से विदा करेंगे क्या? तो आपने आर्टिकल 35 ये सम्मान पूर्वक क्यों हटाया है? हमारे पार्लियामेंट ने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब पहले तो मुझे ये बताओ कि आर्टिकल 35 ये हमारे सामने कब पेश हुआ? मतलब पुराने समय में कभी तो हमारे पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए ना, उसकी रिपोजिटरी से मुझे बताइए कि कब पेश हुआ। जब ये हमारे सामने आए ही नहीं है तो हम इसे हटाएंगे क्यों? हम तो इसे नल एंड वॉइड घोषित करेंगे, हम इसे शून्य घोषित करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी की भर्त्सना करता हूं कि उस व्यक्ति ने ना तो कांग्रेस की भर्त्सना की, ना सही तथ्य सामने रखे और ना ही जो है उसे शून्य घोषित किया। उसे हटा के आपने जो है ना उसे एक सम्मानजनक एग्जिट दे दिया, उसे शून्य घोषित किया जाना चाहिए था। सामने आने कहा दी? मैं यही कह रहा हूं, उसे शून्य घोषित होते तो जिन लोगों को अन्याय मिला है और जो जीवित हैं उनको पुनः न्याय दिया जा सकता था। आपने हटा के तो अभी आज लोगों को न्याय मिल जाएगा, लेकिन पुरानी चीजों को तो आप अंडू नहीं कर पाओगे ना। यदि शून्य घोषित होता तो सब पुरानी चीजें अंडू हो जाती। हो जाती कि नहीं हो जाती? ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, तो जो अंडू का क्लेम लेना चाहता था वो ले लेता कि साहब ये तो शून्य था, हमें गलत नियमों के तहत जो है ना ये किया गया है, अब हम जिंदा है भैया, हमें ये राहत दे दो। नहीं तो ये बताओ ये बड़ी बहादुरी का काम है या ये भी दुष्टता का काम है? बहादुरी है। नहीं तो आप मुझे बताइए, यदि आप जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह पे होते तो क्या जो है आर्टिकल 35A जो असंवैधानिक तरीके से दुष्टता पूर्वक दुष्ट नेहरू ने संविधान के अंदर घुसाया उसे सम्मानजनक एग्जिट देते या नेहरू की भर्त्सना करते, कांग्रेस की भर्त्सना करते और साथ में जो है ना उसे शून्य घोषित करते? आपको नहीं लगता है कि पार्लियामेंट को पूछना चाहिए था कि ये बताइए कि ये अंदर कैसे घुसा है पहले तो? भाई बिल्कुल उनकी। तो यदि वो जो ना यदि वो पार्लियामेंट में गए ही नहीं है तो साहब हम इसको बाहर क्यों निकालेंगे? हम तो इसे शून्य घोषित करेंगे। सही है बिल्कुल। मतलब ये तो वैसे ही हो गया कि एक चोर आपके घर में घुसा और आपने उसको जो है ना गाजे बाजे के साथ अपने दरवाजे से बाहर कर दिया कि हे प्रभु हे चोर महोदय
हम आभारी हैं कि आप हमारे अंदर घुसे, हम आपको ससम्मान मुख दरवाजे से बाहर निकालते हैं। ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है भाई, क्या कि मीडिया इनके पक्ष में सब माहौल बना रहा है। तो भैया ये भैया ये बातें सब तक, ये बातें सब तक पहुंचा दीजिए। तो मीडिया देखो, मीडिया वीडिया कुछ नहीं है। आज जो है ना ग्रुप के से वायरल करिए तो दुष्ट लोग हैं। आप ये बताइए, ये इनके झूठे वीडियो जो है ना करोड़ों लोग देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के सही वीडियो 20 लोग देखते हैं। हाँ भाई, मैं तो लोगों से बात करता हूँ, बताता हूँ, मतलब कि आपको हकीकत मालूम ही नहीं है, हकीकत आपसे छुपाई गई है, तब उनके दिमाग खुलता है। अरे यार, मैं देखिए दुबे जी, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हैं और वही गुलामी की व्यवस्था थुपी हुई है जो सिर्फ सिर फुटे होने पर आपकी FIR नहीं लिखती है और दुष्ट लोगों की दबाव में और या पैसे के कंसिडरेशन में झूठी रिपोर्ट लिख के आपको, एक आध व्यक्ति की गलती हो सकती है, पूरे खानदान को जो है ना जो गिरफ्तार कर लेती है, और यदि वो नहीं, यदि वो नहीं मिलते हैं तो घर की महिलाओं को उठा के भी नियम विरुद्ध थाने में बिठा देती है। नियम विरुद्ध, इसका नियम नहीं है। तो हम कितने दुष्ट लोग हैं, अच्छा आप, मैं दुबे जी आपसे दूसरी बात पूछता हूँ, ये बताइए आपकी इस वर्तमान घटिया कानूनों के तहत भी जो कानून है, एक एक सेक्शन 100 IPC है, ऐसे आप गूगल में जरा टाइप करके देख के पढ़िएगा उसको, 100 IPC को गूगल में सर्च करिए और 103 IPC भी, तो 100 100 जो है, 100 IPC जो है ये धारा है जो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस इज एक्सटेंडेड। तो किसके लिए है? मेरे लिए नहीं। अच्छा, धारा कौन सी बोली आपने? 103। हम दोनों को समझा भी दे रहे हैं आपको, और फिर हम आपको बता रहे हैं कि दुष्ट पुलिस कैसे ठीक काम नहीं करती है, और एज ए DG जो मैं विवेचन दे रहा हूँ वो गलत तो हो नहीं सकता है, हो सकता है क्या? नहीं। तो ये 100 है, 100 जानते क्या कहती है? 100 कह रही है कि आप अपनी खुद की रक्षा के लिए या दूसरों की रक्षा के लिए जो 7 परिस्थितियां कानून में लिखी हैं, उनकी उन परिस्थितियों में आप सामने वाले की वॉलंटरली मौत कारित कर सकते हैं और आपने किसी की हत्या नहीं की है, राइट? और 103 कह रहा है कि अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए, अच्छा इसमें पहले में इवन एसिड थ्रोइंग में भी वो प्रोविजन है, यदि कोई किसी के सामने एसिड डाल रहा है तो यू कैन किल हिम, मतलब उसको एसिड डालना जरूरी नहीं है, एसिड डालने के प्रयास के तहत ही यू कैन शूट हिम। अब आपने ये लोगों को बताया नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी है, कंपल्सरी ट्रेनिंग क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा माहौल बन रहा है तो एक सरकारी कोर्ट से आपको वेपन क्यों नहीं मिलना चाहिए? वेपन खरीदने की जरूरत क्यों होना चाहिए? अब बताइए फिर, आपका जो है ना कोई फतवा जारी करने वालों की किसी की औकात होगी क्या? आज आप ये देखिए कि नूपुर शर्मा को साला डिक्लेयर करके इन लोगों ने उसका जो है ना जिसने उनके फेवर में लिखा उसकी साली हत्या कर दी। कितने दुष्ट लोग हैं और कितनी दुष्ट व्यवस्था है भाई। भाई उसके बाद बहुत इलीगल हुआ, मैंने लिखा भी था ग्रुप में, डाला था मैसेज, उसको कितना प्रताड़ित किया, किस तरह किया है। अरे सामने वाले ने माफी मांग ली, अपनी फीड जो है ना डिलीट कर दी, फिर भी उसका शरीर काट दिया। कैसा देश है ये? राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है इतनी घटिया व्यवस्था जमीन पर रहने देने के लिए? ऐसी पुलिस को डिसमिस कर देना चाहिए 111 सब सेक्शन 2 के तहत, संविधान में प्रावधान है ऐसे लोगों को डिसमिस करने का, क्यों यूज नहीं करते हैं आप? नहीं, वही कह रहा हूं कि संविधान में जो जब प्रावधान है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? आज जो है इन दुष्टों ने इतनी खराब व्यवस्था कर दी है कि कोई भी राज्य सरकार Schedule 7 List 2 में जो उसकी संवैधानिक ड्यूटी दी गई उसको पालन ही नहीं कर रही है, एक भी सरकार नहीं कर रही है, ना भाजपा की ना नॉन भाजपा की। संविधान में व्यवस्था की गई है कि गवर्नर की, और गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजना होती है कि भाई साहब हमारी सरकार संविधान के व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, तो ये भाई साहब गवर्नर महोदय झूठा सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं तो हमें जो है ना आपको इम्पीच करने का अधिकार दे देना चाहिए पब्लिक को, यदि आप अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं करेंगे तो आपको इम्पीच करेंगे। उठा के
फंसा देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि मैथिली शरण गुप्त जो है एक ऑफेंडर है और केपी दुबे एक फरियादी हैं। अब मैथिली शरण गुप्त का दिमाग सनका और गन लेके गए और दुबे से कहा साले तूने ऐसा क्यों बोला, मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, शूट कर दिया। राइट। तो शूट किया लेकिन दुबे जी लकी थे, वो गोली दुबे जी को लगी नहीं। दुबे जी के पास भी अपना जो है ना गन थे, उन्होंने दिया, मैथिली शरण गुप्त ऊपर पहुंच गए। ठीक है ना। अब बताइए दुबे जी ने मर्डर क्यों किया। सेक्शन 100 के तहत ही इज हैविंग द राइट टू किल मी। तो ये दुष्ट व्यवस्था जो है ना हमारे खिलाफ जो है ना आपके खिलाफ केस क्यों रजिस्टर कर रही है। दुष्टता तो मैथिली शरण गुप्त की थी। अच्छा अब चलो ये तो पुलिस ने कर लिया। राइट। पुलिस ने दोनों केसेस रजिस्टर कर लिए, जो मैथिली शरण गुप्त ने कहा उसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, काउंटर कर लिया। अरे भाई जज जो है मजिस्ट्रेट उसको कॉग्निजेंस ले रहा है तो उसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि हु इज विक्टिम एंड हु इज ऑफेंडर। तो जो विक्टिम के खिलाफ जो ऑफेंडर गया है उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको तो मारा जा सकता है। अब बताओ फिर किसकी औकात होगी कि वो किसी को जो है ना बियॉन्ड पॉइंट जो है ना मारने पहुंच जाए। कानून को हाथ में लेने की किसकी हिम्मत होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो इन घटिया कानून के तहत भी जो प्रावधान है उनका भी आपकी दुष्ट व्यवस्था पालन नहीं कर रही है और आपको लज्जा नहीं आती है। शिवराज जो है ना पे पुलिस का गाना गाता रहता है, दुष्ट व्यक्ति है। जो दुष्ट पुलिस अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रही है, जो दुष्ट पुलिस जो है झूठे पैसे लेके जो है ना झूठे मुकदमे कायम कर रही है, पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में जो है ना झूठे मुकदमे कायम कर रही है, उस दुष्ट पुलिस की तारीफ होना चाहिए क्या? बताइए मुझे, तारीफ होना चाहिए क्या? और ये साले इतने दुष्ट हैं कि कमला नगर थाने में एक केस मुकदमा कायम हुआ, उसमें भाजपा ही पहुंच गए उसको छुड़ाने के लिए, बड़ा बवंडर मचाया, तोड़फोड़ की और छुड़ा के ले गए। और अगले दिन इस दुष्ट शिवराज ने उस पूरे थाने को सस्पेंड करा दिया। कितना दुष्ट व्यक्ति है ये, अपने आप को मामा मामा कहता है, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लज्जा नहीं आती है इस व्यक्ति को। अभी आप देखिए भोपाल में ये हैंडीक्राफ्ट लोगों ने मतलब प्रदर्शन किया था, पुलिस ने सबको भर के ले गई। मैं यही कह रहा हूँ, आप ये बताइए इस दुष्ट व्यवस्था के तहत हमें प्रदर्शन क्यों करना चाहिए? हमें यदि हम डरे हुए हैं तो सदस्य बन जाएं क्राइम फ्री भारत की, और यदि जजुआ है तो चंद्रगुप्त बन जाएं। सही बात है। अभी एक महीने में हटा देंगे इनको, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम इनके सामने प्रदर्शन करने जा क्यों रहे हैं बताओ मुझे भाई। इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि मांगे पूरी नहीं हो रही। मैं चीज ये ना, हमें इनकी जरूरत क्यों है अपनी चीजें पूरे करने की? हम इन्हें हटा के नई व्यवस्था ले आएंगे ना, जो समृद्धशाली होगी, जो गुलामों के नियम कानून हट जाएंगे, नई शिक्षा व्यवस्था आ जाएगी, हर व्यक्ति समृद्ध होगा, सबसे गरीब व्यक्ति जो है उसको सम्मान भी मिलेगा, गाड़ियों में जाएगा, उसको अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, वो किसी को मालिक भी नहीं कहेगा, वो किसी का नौकर भी नहीं होगा। ही इज जस्ट डूइंग ए जॉब, ही इज प्रोवाइडिंग ए सर्विस, और वो सबसे एडवांस टूल साथ में लेके जाएगा, जो आज वो काम कर रहा है उससे 100 गुना जो है ना गुणवत्ता का काम करेगा, और उसको जितनी बार वो काम को पूर्ण करेगा उतनी बार उसको दिन में 5 बार, यदि उसने 5 काम पूरे किए तो उसको 5 बार पेमेंट मिलेगा। बताइए उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? और क्राइम फ्री भारत का जो डेबिट अकाउंट वाला सिस्टम है उसमें यदि आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो भी आपकी चेक बाउंस नहीं होना है, क्या प्रॉब्लम है? आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, कल आप मेहनत करके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? व्हाट द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं। आप मुझे बताइए यदि मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो आप विद्वानों को बुला लीजिए, मैं उनसे जो है ना कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, इसी में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो दुबे जी मेरा यही कहना है कि ये दुष्ट विद्वान, दुष्ट पत्रकार जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, घटिया लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। बिल्कुल सही है। इन्हें लज्जा आना चाहिए अपने चरित्र पे। ये सिर्फ अपना अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बस पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ना वो लीगल देख रहे हैं ना वो इलीगल देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं भाई पैसा मिलना चाहिए, खत्म। कल मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, विकास शर्मा करके, विदिशा का है, तो उसने लाइव चर्चा में कहा था भाई 2024 में तो मोदी को ही आना चाहिए। तो मैंने क्यों आना चाहिए, बोले सर बस मुझे लगता है आना चाहिए।
तो आप इतने दुष्ट हैं कि आप सत्य को देखना भी नहीं चाहते हैं। बताइए, मोदी जी ने कोई ऐसा फर्म कानून बनाया है जिससे कोई इस देश में दंगे ही ना करा पाए? आदित्यनाथ योगी ने बुलडोजर चलाया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। भैया एक बुलडोजर एक्ट बना दो ना, तो जो 80% भाजपा वाले हैं उन पर चल जाएगा वो बुलडोजर। भाई देखिए, ज्यादा गड़बड़ तो भाजपा वाले कर रहे हैं भाई। ये सब क्या सब नोटन किया समझे भाई? कानून है ठीक है, सब कुछ होगी, सब कुछ चोरी है, ये बताइए आप। मैं वही कह रहा हूँ, ये अपने इशारे पर पुलिस को गुलाम बनाकर, व्यवस्था को गुलाम बना के अपने अपोनेंट की ऐसी कम तैसी करेंगे और अपने आप को मसीहा साबित करेंगे। ये मसीहा नहीं है, ये देशद्रोही है। बिल्कुल सही है, आपकी बात मान रहा हूँ मैं, लगभग एग्री कर रहा हूँ। ये मसीहा नहीं है। और मीडिया पर हाईलाइट कर देता है तोड़ मोड़ को। अरे मीडिया क्या है, दल्ला है वो। गोदी मीडिया जो है ना, उसके लिए बहुत अच्छी टर्मोलॉजी है वो। जो है ना, अपोजिशन ने कहा ना कि हम 14 एंकर्स का जो है ना वायकॉट करेंगे, तो हिल गए उनकी। कह रहे फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। क्यों है भैया, आप जो है ना सत्यवाद पूछते नहीं हो, सत्यवाद पूछने की औकात नहीं रखते हो और अपने आप को मसीहा कहते हो, अपने आप को विद्वान कहते हो। अरे लज्जा आना चाहिए आपको अपने चरित्र में। अच्छा, अब ये तो पत्रकार से भी मतलब वो करके रखा है, आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते भाई? आप जवाब दीजिए ना, जवाब क्यों देते हो आप? अरे यदि आप गलत बात कहेंगे तो जेल भी जाएंगे, पूछना तो दूसरी बात छोड़िए, कानून बदल जाएंगे भाई। ऐसा तो हो रहा है, ये अपने पाव का बिजनेस तो देखिए। मैं ये कह रहा दुबे जी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है, या बाली हटे गए पता उसको अंदर करो। बेटा जगह जैसे कोई टच में भी हूँ, उन लोगों स्टेटमेंट भी मेरे पास है, मतलब क्या उन्होंने कहा है, मतलब अब आप मुझे बताइए कि हम कैसे घटिया विद्वान लोग हैं कि 75 साल में ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं कह पाए कि हमें आजादी नहीं मिली है, हमारे ऊपर वही गुलामों की व्यवस्था थुपी हुई है, वही जो है ना प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थुपी हुई है। इससे ईमानदार तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कहता है कि साहब ये कॉलोनियल व्यवस्था है और यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है। ये कितने चीफ जस्टिस ने कहा है, कईयों ने कहा है। कम से कम वो हमारे इन राजनेताओं से और ये छदम विद्वानों से तो ज्यादा बेटर है। उनको भी उनको दबाना ही चाहिए, बेसिकली कॉलेजियम क्यों होना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है दूसरे पैमाने करिए ना, एक इंडियन जुडिशियल सर्विस लेके आइए, क्या प्रॉब्लम है। और हम तो ये कह रहे हैं कि पोस्टिंग भी इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। जो आप काम करेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी उसके आधार पर पोस्टिंग मिलेगी, जो ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको जो है ना जो चाहेगा वो मिलेगा उसको। क्योंकि ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो उन्हीं को टिकट। देखिए ये 360 डिग्री का रिव्यू परफॉर्मेंस लाए, भाजपा साली इतनी दुष्ट है कि उसने जो है ना उसको कौन सूट कर रहा है कौन नहीं सूट कर रहा है, तो अच्छे लोग जो उसे सूट नहीं कर रहे थे उसको 360 डिग्री में इम्पैनल ही नहीं किया। कितनी दुष्ट है ये भाजपा, कितनी दुष्ट है ये भाजपा। यही तो हो रहा। और जो वीडियो कर और गधे लोग थे उनको इम्पैनल करती है, कितनी दुष्ट है ये व्यवस्था। भाई इनको वो आदमी चाहिए जो इनके लिए फायदेमंद हो, इनके चेहरे पर काम करे, इनके अगर जो गए आप चाल दो लूप लाइन में। तो भैया मैं कह रहा हूँ कि भैया हम तो ये कह रहे हैं कि डरा सहमा घबराया हुआ उत्पीड़ित व्यक्ति सतत बन जाओ ना भैया। आप यदि उस कैटेगरी में हो तो हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप सूरवीर बनो, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सरदार भगत सिंह बनो, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जो है ना चंद्रशेखर आजाद बनो, कह रहे हैं क्या? हम तो बड़ी सिंपल बात करें, सिर्फ आप रजिस्टर कर लीजिए और घोषित करके कहिए भैया मैं इन व्यवस्था से डरा हुआ सताया हुआ उत्पीड़ित का पीड़ित व्यक्ति हूँ, मेरी आज के जो है ना पारिवारिक परिस्थितियों और चिंतन के कारण मेरी औकात नहीं है कि मैं जो है ना इनसे लड़ सकूं, लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत का सदस्य बन के पर्दे के पीछे रहकर अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को जोड़ दूंगा। और जोड़ के जो है जोड़ने के पहले उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, ऊर्जाकृत करने के लिए 4000 से ज्यादा वीडियोज अवेलेबल है, उनसे बैठ के चर्चा करूंगा, उनको जोड़ दूंगा। और ये बताइए ना, 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भैया जुड़ जाना कठिन है क्या? पहले खुद को जोड़ दो, जिसके पास वीडियो पहुंचे वो खट से उसी समय जो है ना शपथ धरे, बाकी लोग जुड़ेंगे वो बात की बात है। भैया हम तो जुड़ गए आज, और फिर कोशिश करेंगे, जो जुड़ जाएंगे वो जुड़ जाएंगे, आज नहीं जुड़ेंगे तो कल जुड़ जाएंगे, आज बात समझ में नहीं आएगी तो कल समझ में आ जाएगी।
नहीं ये बात आप सही में देख रहे हो, कुछ रोज मेरी बात हुई ना, अब वो एग्री हो रहा है, मतलब क्या कि एकदम से समझ नहीं पाते कई लोग कोई चीजें। एक्चुअली में चीजें इतनी भरी हुई हैं और हर व्यक्ति अपने आप को विद्वान मान रहा है जो कि वो है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब खुद को खुद की जो है ना दृष्टि खराब है, और दूसरा जो देख पा रहे हैं उसे देखने के लिए आप सुनना नहीं चाहते, आप तो कह रहे हैं मुझे जो खराब दिख रहा है वो ही सही है। अब हम खुद को तो मोतियाबिंद हुआ है और आप देख पा नहीं रहे हैं। नहीं सही बात है। तो मैं जो है यही कहना चाहता हूं कि भैया अब समय आ गया है कि हम चंद्रगुप्तों की सूची बनाएं, और जो आसपास लोग हैं जिनसे खुद कह सकते हैं उससे खुद कह दो, नहीं तो मेरे पास भेज दो, मैं फोन लगा लूंगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि मकसद बड़ा है। सही बात है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ ये आरएसएस और बजरंग दल वगैरह के लोग भी जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो हृदय से तो भारतीय हैं, हृदय से तो जो है ना वो अच्छे लोग हैं। अभी तक वो भ्रम में है कि भाजपा उनके लिए अच्छा काम करे जो नहीं कर रही है। किसी ने कल मुझसे पूछा, करें सर जो विदेशों में हो गया है, मैंने कहा कि एक व्हाइट पेपर उससे मांग लो ना कि भैया कितना पैसा खर्च किया गया इसका जो है ना, एक ऑन रिकॉर्ड दे दो, समझ में आ जाएगा कि मोदी मोदी क्यों हो रहा है। अब वो मोदी यदि इतना दुष्ट है कि कुछ चंद डेलीगेट्स के लिए पूरे देश को बंद कर दे, देश की जनता की ऐसी कम तैसी कर दे, और जो है ना और कश्मीर में जो है ना जो जवानों की मौत हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना जो है ना कद बनाने के लिए लगा हुआ है, तो ऐसी दुष्टता करोगे तो जो ना मोदी मोदी हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही बात है। तो फिर उसकी रिसर्च कर लो ना कि मोदी मोदी क्यों हो रहा है। क्या उसके पहले इसने, और ये बात भी सही, ये बात भी सही है कि कुछ काम अच्छे किए हैं लेकिन अकल नहीं है तो अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने स्टार्टअप और मेड इन इंडिया का प्रोग्राम लाए, तो आप में अकल तो है नहीं, तो आप ये नहीं बता पा रहे हो कि कहाँ काम करें। जैसे पीएचडी वाले दुष्ट जो है ना गाइड कुछ भी उल्टा सीधा टॉपिक लेके उस पर डॉक्टरेट बांट रहे हैं। भैया आप रिसर्च के टॉपिक दो ना कि इन टॉपिक पर रिसर्च होगी। भाई मोदी का दिमाग छोड़िए, आप देखिए जितने फॉरेन कंट्री में इंडियन सैनिक अच्छा ब्रांड था उनको इन्होंने इंडिया बुलाया है और वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और पूरा श्रेय इनको मिल रहा है। मैं जो श्रेय और अश्रेय की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्या उस श्रेय से हमारे आम नेता आम आदमी का जीवन सुधर रहा है क्या, मुझे ये बता दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर आउटेजिट मेक अ डिफरेंस, आप जो है ना वहाँ मोदी मोदी करा ले रहे हो करोड़ों रुपए खर्च करके, तो इससे आम जनता की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो जो है ना आप सिलेंडर महंगा कर दे रहे हो और उसको आप जो है फ्री भी बांट रहे हो, आप समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हो? फ्री भी मुक्त, गरीबी मुक्त, रिजर्वेशन मुक्त भारत क्यों नहीं दे रहे हो आप? देखिए कैसे, आप ये बताइए, जो व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ लेके पूरी जिंदगी भर कुंठित रहता है उसे आप सम्मान क्यों नहीं देना चाहते हैं, उसे मेरिट क्यों नहीं देना चाहते हैं? और हमसे ये आपको मालूम है, अभी हमें फिर से और एक स्कीम ला रहे हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा, अमीर से अमीर का बच्चा अपने औकात पे पढ़ेगा, मतलब उसका डेबिट अकाउंट होगा और उसे आय जनरेट करने का मौका भी दिया जाएगा, तो अधिकांश केसेस में तो वो लायबिलिटी अपने ही समय में फिक्स कर देगा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि धन के अभाव में उसे शिक्षा ना मिले, क्योंकि उसे अपने बाप से भी नहीं मांगना है ना, उसका भुगतान तो जो है ना डेबिट अकाउंट करेगा। जब वो कमाने लगेगा तो आराम से पड़ जाएगा। और मैथिलन गुप्त ने ऑलरेडी सोच के रखा है कि हम ये भविष्य के लिए नहीं रखें, उसको आज कमाने का मौका देंगे, वो क्लिक करेगा वो कमा लेगा। अब जैसे मैंने आपको मोटर व्हीकल एक्ट का बताया कि एक बच्चा अपना स्कूल जा रहा है, दो वायलेशन को कैप्चर करता है, लौटते पर दो वायलेशन का कैप्चर करता है, उसमें 4000 रुपए कमा लिए, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 120000 हो गए कि नहीं हो गए? और मैथिलन गुप्त और ऐसे बहुत सारे और आइडियाज लेके आएंगे जो जो आज जो है ना ग्राउंड पे जो है ना जो होना चाहिए हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप बताइए इन बच्चों को बिना ज्यादा श्रम के पैसा अपने आप पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? फिर हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो कुछ स्कॉलरशिप लेते हैं, किसी की गाड़ियां धोते हैं, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है। भाई वी कांट डू हियर, मतलब उसको हम जो है
बाल श्रम ना माने, बाल सम्मान माने। उसको सम्मान की दृष्टि से देखें, और हर कोई सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, ही इज ए सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट योर नौकर। सही बात है। यदि आप उससे गलत टोन में बात कर लेंगे तो आपको जो है ना जितना बनता है उसका ड्योड़ा देना पड़ेगा। आपके औकात नहीं कि अपने जो है ना जो आपको सर्विस दे रहा है उससे आप गलत टोन में बात कर लें। सही है। तो फिर ऐसा भारत तो पैदा किया जा सकता तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दुष्ट हैं, ये घटिया लोग हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अनपढ़ गवार बाहुबलियों को टिकट देते। अच्छा, भाजपा में आप बताइए, सभी वही लोग नहीं है जो पहले झांकियां लगाया करते थे और झांकी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे? 90% लोग वही हैं। या तो वो कांग्रेस से आए हुए हैं या जो है वो इस तरीके के लोग हैं, दो ही तरीके के लोग हैं, है कि नहीं है? आप देखिएगा, इसमें ज्यादा लोग कांग्रेस से आए, कांग्रेस से जब पार्टी किसी की विचारधारा का प्रभावित है तो आपने पार्टी छोड़ी क्यों, क्या रीजन था? मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि आपका देश के हित में चिंतन है या खुद के हित में चिंतन है? यदि आपका खुद के हित में चिंतन है तो आप दुष्ट हैं, बस एक ही डेफिनेशन है। तो कारण वही है ना, और अपने लेवल पे बोल रहा है। आप बताओ ये राजनेता कितने दुष्ट हैं, ये बताइए राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी? पार्टी भी क्या है? आपने हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को चाहे कितना भी घटिया हो, चाहे उसमें दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के ही हमारे वोट क्यों ना कबाड़े हो, यदि वो आज हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो हमारी बात कहने की उसकी हिम्मत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर पार्टी भी कहां से आ गया? पार्टी जो है ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पहुंच गई है। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, क्या प्रॉब्लम है भाई? पार्टी के हिसाब से आप नहीं करोगे तो निकाल के बाहर कर देंगे आपको, और किया है बहुत लोगों। जब आप पार्टी विहीन प्रजातंत्र ले आएंगे तब क्या कर लेंगे, जब पार्टी ही नहीं होंगे तो? अभी आपके कई लोगों ने निकाल दिया, कई लोगों ने निकाल दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में मेरे से छठवां शायद और लक्ष्य है जो कह रहा है पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, यदि आप चुनाव में खर्च करेंगे तो ये संघीय अपराध होगा, जेल चले जाओगे। तो आप कह रहे हैं कि खर्च की सीमा होना चाहिए, हम कह रहे हैं आप खर्च ही नहीं कर सकते हो। जो खर्च होगा वो सिर्फ जो है ना वीडियो बनाने का होगा। आपकी जो है 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित होगी, यदि आप नेता हैं तो हर चीज रिकॉर्ड में कहने की आपकी हिम्मत और औकात होना चाहिए। आप कान में जाके क्यों कहना चाहते हो कि दुबे जी आप भी पंडित मैं भी पंडित? क्यों कहना चाहते हैं बताइए ना, क्यों कहना चाहते हैं? उल्टा भी बगलाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि 1-to-1 में या तो आप दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, आप एक दुष्ट हैं। बिल्कुल सही है। चलिए दुबे जी, अब इस बात को यहीं विराम देते हैं। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।